बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? मस्ती में कट रही है? चलिए, पढ़ाई लिखाई हो रहा है ना? लाइट को पूरा कर लिए हैं? कहीं अंधेरा नहीं ना है? चलिए, तो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा ऑप्टिक्स 04 में कि दो यदि प्लेन मिरर हो जाएं तो उससे कितने इमेजेज बनेंगे, इमेज का फॉर्मेशन, कितने इमेज बना सकते हैं। तो दो तीन मेथड बताएं कि आप रे डायग्राम बनाते जाइए, या फिर आप सर्कुलर मेथड लगाइए, या फिर आप एक तिकड़म है क्रिस क्रॉस से बनाइए। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे बनाते हो, नहीं बनाते हो, है कि नहीं है? हाँ हाँ है। तो चलिए, मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं हमारे और आपके सुंदर सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला एक ही मेहता, या फिर कहिए जेएल साइंस एमिशन ऑप्टिक्स 05 के साथ। इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज एंड प्लेन मिरर। रिलेटिव मोशन जो होता है, अब मान लिया जाए कि यहां पर आज हम मिरर भी लेकर के आए हैं, प्लेन मिरर है ये, आज लेकर के नहीं आए हैं, पहले भी लेकर के आते थे, नहीं ये प्लेन मिरर है, तो ये प्लेन मिरर है। क्या है ये? प्लेन मिरर। आप रिलेटिव मोशन देख रहे हैं, आज प्लेन मिरर बताना है इसलिए देख रहे हैं एकदम। हाँ, ये मुस्टेच है। तो उसके बाद देखिए कि ये मिरर है, क्या स्पष्ट दिखाई दे रही है मिरर? अब इस मिरर में आप देख सकते हो कि मिरर के सामने मैंने किसको रखा, मिरर के सामने मैंने पेन को रखा, और पेन को क्या करवाएंगे, आगे पीछे खिसकाएंगे, 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 आगे पीछे खिसकाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि इमेज भी आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं मारेगा। माने आप इसको ऊपर ले जा रहे हैं, अब जैसे ऊपर ले जा रहे हैं तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब इसको हम आगे पीछे ले जा रहे हैं, रिलेटिव मोशन ऐसे करवाते हैं तो इमेज पर प्रभाव पड़ता है। अब ना आगे ऊपर ना नीचे, अब कोना कोनी ले जाते हैं ऐसे करके। तो ये तीन कंडीशन देखेंगे, अभी दिखाएं ना कि किसी एंगल पर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, यदि ऐसे हम मोशन करते हैं तो रिलेटिव मोशन ऑब्जेक्ट और इमेज की क्या होगी, ये कंडीशन। दूसरी बातें ये हो सकती है, दूसरी बातें ये हो सकती है। हेलो, चलिए, टेलीफोन आ गए थे, मैं आज अपने साथ दर्पण लेकर के आया हूँ, मैं इसमें अपना बार बार चेहरा देख रहा हूँ। तो ये तो बताएं कि ऑब्जेक्ट मिरर को फिक्स कर दिए, ऑब्जेक्ट को दौड़ाएं, अब क्या करते हैं, दोनों दौड़ रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा दीदी तेरा क्या, नहीं मिरर तेरा, इमेज तेरा क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये सारे कंडीशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इमेज कितनी फॉर्मेशन होती है, यदि वो वाले मतलब चौथा लेक्चर आप नंबर ऑफ इमेज वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड स्क्रीन पर वीडियो और आई बटन में लिंक दे दी जाएगी, देखिए आगे होंगे ठीक। तो प्रारंभ करने से पहले एक तनिको का रिक्वेस्ट, यदि आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बगल में जो है बाजू वाला आइकन उसको भी ठोक डालिए ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपको क्या हो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, धन्यवाद। चलिए, हम लोग बहुत हुई भाषण तासन नहीं, वक्त होथन नहीं करेंगे, केवल हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे, केवल क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो चलिए एक मिरर ले लेते हैं, चलिए एक मिरर ले लेते हैं, मिरर के सामने केस फर्स्ट ले लो, केस फर्स्ट में ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं मूव, टू मूव आए, क्या लिखता है बैक, टू मूव ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द मिरर। यदि हम ऑब्जेक्ट को मिरर के परपेंडिकुलर क्या करवाएं, मूव करवाएं। अब केस क्या है कि मिरर है, सामने मिरर है, मिरर है, अब मिरर के परपेंडिकुलर, गौर कीजिएगा परपेंडिकुलर, तो ये मिरर है तो इसके परपेंडिकुलर इधर होगा, तो ऐसे करके मूव करवाएं, यूं ऐसे करके चलवाएं, तब देखते हैं रिलेटिव मोशन क्या है। और मान के कर चलते हैं इफ मिरर इज फिक्स्ड, इफ
मिरर क्या है? फिक्स्ड है। मिरर क्या है? फिक्स्ड है। मिरर अभी मोशन नहीं कर रही है। तो डी शन कन ले लेते हैं, डी शन कन ले लेते हैं। इस स्थिति में ये यदि ऑब्जेक्ट है, ये यदि मिरर की ओर विथ रिस्पेक्ट टू किसके चल रहे हैं? रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन प्लेन मिरर विथ रिस्पेक्ट टू चलेंगे हम लोग मिरर, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ऑब्जेक्ट यदि इधर या एक्स मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो ऑब्जेक्ट भी किधर की ओर आएंगे? इधर की ओर। किधर की ओर? एक्स मीटर प्रति सेकेंड से आएंगे। क्या कहें, क्या कहें कि प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट तथा इमेज, ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट तथा इमेज का स्पीड, स्पीड मिरर के सापेक्ष, मिरर के सापेक्ष बराबर होता है। मिरर के सापेक्ष क्या होता है? बराबर होता है। मतलब क्या कहें? अब देखो, यदि हम राइट को, यदि कार्टेशियन सिस्टम में चलना है, इसलिए कि वेलोसिटी वगैरह की बात हो रही है, तो कार्टेशियन सिस्टम में चलना है, तो यदि इधर को हम क्या मान लें? पॉजिटिव डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब कि इधर के और जितने भी बॉडी जाएंगे वो किस डायरेक्शन में जाएंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इधर की ओर आने वाले ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? स्वतः निगेटिव हो जाएंगे, स्वतः निगेटिव हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू मॉड ऑफ इमेज। समझ रहे हो? चलिए और क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर को कभी ना भूलें। देखिए ना, अभी वेक्टर को लाएंगे, उठा करके लाएंगे, वेक्टर को ट्रैक्टर पर चढ़ाएंगे अभी, बराबर इमेज। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का वेलोसिटी निगेटिव होगा पर बराबर होगा। क्यों निगेटिव? अरे भैया, ये इधर की ओर जा रहा है तो ये किधर की ओर आ रहा है? देखो इधर, तो ये डायरेक्शन के कारण क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। मैंने केस एक खल्लास, केस एक खल्लास। तो फटाक से नोट करें इसको। चलिए नोट कर लिए इनको, मिटा दिया जाए। तो ये डायरेक्शन के कारण इसमें क्या लग गया? माइनस लग गया। ये तो पहली केस देखें कि टू मूव ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द मिरर इफ मिरर ए मिरर फिक्स्ड। मिरर क्या है? फिक्स्ड है। अब ले लेते हैं कि टू मूव ऑब्जेक्ट, दूसरा केस, केस नंबर टू, केस नंबर टू, केस नंबर टू कहता है कि ऑब्जेक्ट मूव, टू मूव ऑब्जेक्ट पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल टू द मिरर। अब ऑब्जेक्ट को यूं नहीं ले जाना, अब ऑब्जेक्ट को यूं नहीं ले जाना है। अब ऑब्जेक्ट को कैसे ले जाना है? गौर कीजिए, गौर कीजिए, गौर कीजिए। तब तक मैं हेडिंग उडिंग डालो ना, तब तक हेडिंग उडिंग डालो। बैठल काहेला है? हम अपना एडजस्ट कर रहे हैं, तुम काहेला बैठल हो? प्रभु जी, अब इसको किधर की ओर ले जाना है? प्रभु जी, अब मान लिया जाए एक्स मीटर पर सेकेंड से जा रहे, तो ये भी चलेगा एक्स मीटर पर सेकेंड से, एक्स मीटर प्रति सेकेंड से जा रहा है, एक्स मीटर प्रति सेकेंड से जा रहा है। अब ये देखिए कि मिरर के अलोंग चलने का मतलब क्या होता है? कि मिरर की लंबाई बढ़ रही है। किसकी लंबाई बढ़ रही है? मिरर की लंबाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यदि हम मिरर को भी घुसकाते चले तो इसका मतलब मिरर की लंबाई क्या हो रही है? बढ़ रही है।
तो चाहे ऊपर या नीचे की ओर ले जाने पर इनके डायरेक्शन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या कहें कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट तथा इमेज का स्पीड मिरर के सापेक्ष बराबर होता है। अब ये माइनस भी नहीं चलेगा, इसमें माइनस क्यों नहीं चलेगा, ऑब्जेक्ट भी ऊपर इमेज भी ऊपर, ऐसा थोड़ा ही है जो ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें क्या था पहले, ऐसे था नहीं, अब क्या है, अब ऐसे है, तो सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैंने सुने से अरे खत्म, अरे हो गया, नोट कीजिए केस टू को, चलिए देख लिए इसको। अब देखिए जरा इसके एक बार क्या ले लेते हैं, प्रमाण ले लेते हैं कि आखिर इसके बराबर होता कैसे है। तो देखो, तो सबसे पहले क्या देखे थे कि ये एक मिरर है और ऐसे करके चल रहा था, किस वेलोसिटी से, एक्स मीटर पर सेकेंड से। तो मान लिया जाए कि एक सेकेंड में ये क्या किए, यहाँ पर है, और पहला एक सेकेंड में ये कितना दूर गया, ये एक्स मीटर गया, कितना मीटर गया, एक्स मीटर गया। तो यहाँ पर जो इमेज था वो भी पहला एक सेकेंड में कितना दूर आएगा, एक्स मीटर आएगा पीछे, एक्स मीटर। अब इसका क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, तो क्या कहेंगे, dx बटा dt बराबर dy बटा dt। इसको मान लेते हैं तत्काल के लिए dy, इसको तत्काल के लिए मान लेते हैं dx, तो dy बटा dt। तो dx बटा dt देखिए डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर dy/dt, इसमें डायरेक्शन की वजह से क्या लगा देंगे, माइनस, तो वेलोसिटी इक्वल टू माइनस vi। इसको कहते हैं प्रमाण लेना, क्या लेना, प्रमाण, डिफरेंशियल मेथड से, किस मेथड से, डिफरेंशियल, छोटे छोटे सेकंड में इसको तोड़ देंगे, तब इसका अध्ययन करेंगे कि आखिर ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो चाहे तो इसको आप नोट में छाप सकते हैं, पर वैसे इसकी कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। याद रखना किसके रिस्पेक्ट में ये सारे चीज हो रही है, मिरर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, चलिए छाप लिए ना, गाना उना गाइए, छाप लिए तो बढ़िया से, इसको मिटा रहे हैं। अब चलिए केस लेते हैं, कैमा नंबर 3 और शायद लास्ट केस ना हो जाए, और इस पर थोड़ी बहुत सवाल ले लेंगे और देख लेंगे क्या होता है। केस तीन में क्या होता है, मूव ऑब्जेक्ट एंड मिरर, मिरर बोथ, मोथ लिख रहे थे, बोथ मतलब क्या कर रहा है कि मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों मूव कर रहा है। आइए हाल क्या है देखिए, ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने मिरर को देखा, मिरर ने ऑब्जेक्ट को देखा। अब देखो जा रहा है, अब देखो, कभी साथ साथ चलता है, कभी अलग अलग चलता है, तो साथ साथ चलने से कोई फायदा है ही नहीं, सेम कंडीशन हो जाएगी, मतलब दोनों के बीच की जो रिलेटिव स्पेस है वो तो फिक्स है, तो इसको फिक्स माना जाए। अब देखो या इसी में जाएगा तो ये धीरे धीरे जाएगा, ये स्पीड में जाएगा, तब क्या होगा, इस कंडीशन में क्या करेंगे। तो देखिए इस कंडीशन में क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला बनाते हैं, यहां पर अभी क्या लिख रहे थे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो हाँ वेलोसिटी ऑफ मिरर नहीं, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये बराबर होता है। अब ये वेलोसिटी देखो किसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर विथ रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष, यहां पर लिखे थे सापेक्ष, मिरर के सापेक्ष। तो ये जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, स्पीड है, वो किनके सापेक्ष है, मिरर के सापेक्ष। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर,
ऐसे करके लिखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, याद कीजिए क्लास 11th, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होगा, इसको ऐसे लिखा जाता है, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा, जो चलने का होगा सो काम चलेगा, चलेगा जो चलने नहीं, 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 चले चलेगा। देखिए क्या होता है, होता यूं है, होता यूं है कि जैसे वेलोसिटी ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ, यदि डायरेक्शन सेम हो जाए, यदि डायरेक्शन सेम हो जाए तो प्लस कर देते हैं, डायरेक्शन विपरीत हो जाए तो माइनस कर देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो यहां पर भी वही कंडीशन लेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ओ प्लस वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ एम, वेलोसिटी ऑफ एम, ये माइनस में होता है इमेज, तो क्या कहेंगे, माइनस लगा दीजिए, बरोबर वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ वेलोसिटी ऑफ, ओ सॉरी माइनस नहीं प्लस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब माइनस को घुसड़ दे इसके अंदर, क्या कर दे, घुसड़ देते हैं, तो वी ओ प्लस वी एम इक्वल टू माइनस वी आई, अब माइनस वी एम। अब जाति को एक जगह कर लेते हैं, ई भाई साहब को इधर कर दें या इसी भाई साहब को इधर ले आए, इसी भाई साहब को इधर कर लें या इसको उधर कर लें, तो इसी को क्या कर देते हैं, उधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ, हाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए, तो वेलोसिटी टू वेलोसिटी वी एम, ये माइनस चिन्ह डायरेक्शन को दिखाता है, माइनस चिन्ह ओनली इंडिकेट्स डायरेक्शन, माइनस चिन्ह ओनली इंडिकेट्स डायरेक्शन, या माइनस नहीं भी दे तो काम चलेगा, या माइनस नहीं भी दे तो काम चलेगा, पर ये जुटेगा नहीं, तब क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, जीरो बच जाएगा। तो माइनस चिन्ह ओनली इंडिकेट्स डायरेक्शन, तो क्या कहेंगे, वी ओ प्लस वी आई इक्वल टू टू वी एम, तो वी एम इक्वल टू क्या हो गया, वी एम इक्वल टू वी नॉट प्लस वी आई बट टू। ये फॉर्मूला हमेशा हमेशा लागू रहेगा, चाहे जो कुछ हो जाए ये हमेशा हमेशा लागू रहेगा। ट्राई कर लेंगे ना, चेक कर लेंगे ना, मिरर को फिक्स करके, मिरर को चला करके, कुछ हो करके, क्या कर लीजिए, कॉच हो कर लीजिए, क्या जाता है, आए कि नहीं है। तो पहले आप इनको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फॉर्मूला यही। अब यहां से क्या चालू होगा, सवाल, सवाल, नोट करें, नोट करें, नोट करें, नोट करें, नोट करें। ये तो प्लस लेकर के देख लिए, एक बार क्या लेकर के देख लें, माइनस लेकर के देख लें, देखते हैं क्या यही फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, मैंने ये आता है कि नहीं आता है। तो क्या करेंगे, भी इसी को तोड़ते हैं, ओ इस साइड तोड़ें, इस साइड तोड़ें, इस साइड तोड़ें, इस साइड तोड़ें, तो भी ऑब्जेक्ट माइनस भी मिरर बराबर भी इमेज माइनस भी मिरर, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा, भी ऑब्जेक्ट माइनस भी इमेज बराबर इसको किधर लेकर के चल जाएं, उधर लेकर के चल जाएं, तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस भी एम और प्लस 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 भी एम। अब क्या करें, ये तो जीरवे हो जाएगा, इसका मतलब चलने वाला नहीं, आई बात समझ में। दूसरी बात, इसको और क्या कर सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू इमेज, तब देखते हैं क्या होता है। लॉक खोल दिया जाए, लॉक खोल दिया जाए, चलिए, तो क्या कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसको इस तरफ ले जाए, इसको उस तरफ ले जाए, इसको इस तरफ, इसको उस तरफ,
तो क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस है तो प्लस, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर वेलोसिटी ऑफ एम, ये है तो प्लस, तो वेलोसिटी ऑफ एम इस तरह से चल जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2m, नेगेटिव हट गया, देखिए नेगेटिव हट गया। यदि हम यहाँ पर नेगेटिव को कैंसिल करके चलें, एक बार ऑब्जेक्ट माइनस इमेज करें, एक बार इमेज माइनस क्या, एक बार ऑब्जेक्ट माइनस मिरर और वेलोसिटी इमेज माइनस मिरर कर लें, मतलब दोनों जगह किसको हटाएं, मिरर को हटाएं, किसके हटाएं, मिरर को, तो इस तरह की कहानी बनती नजर आ रही है। एक मिनट नहीं, ये गलत नहीं है, वेलोसिटी ऑफ इमेज गड़बड़ हो गया ना, ये वाला था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, जाति को एक जगह कर लिए, इसको इस तरफ ले आए और इसको उस तरफ ले गए, तो प्लस टू, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू टू, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, आपकी इच्छा। यहाँ पर माइनस चिन्ह लगे हुए है, ये इंडिकेट्स करेगा डायरेक्शन को, और माइनस चिन्ह को हटा देंगे यहाँ पर आ जाएंगे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तब यहाँ पर चिन्ह कार्टेशियन लेंगे, जिधर जा रहा है नहीं जा रहा है, माइनस प्लस लगाएंगे, तो कहोगे कि ज़्यादा करेक्ट किस में होने की संभावना है, तो इस पर जब तुम वहाँ पर हल करते समय माइनस प्लस लगाओगे तो ये अच्छा रहेगा। अब इसमें पहले माइनस लगा दिया, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, तो इसमें इनकरेक्टनेस की मात्रा अधिक रह जाती है। आई बात समझ में, तो किसको लेंगे इस तरह से, और आपको लेना क्या है कुछ नहीं, केवल फॉर्मूला याद रखिए ना, वी एम बराबर वी नॉट प्लस वी आई बटा टू, डेरिवेशन कहीं नहीं पूछते हैं, बस यहां से आपको किसकी आवश्यकता है, इसकी या इसकी, दोनों तो एक ही चीज है और कुछ नहीं है। नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिए, इसको या करके नोट कर लीजिए, या नोट कर लीजिए, कर लिया, नोट कर लिए हो, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिटा दें, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मिटा दें, मिटा रहे हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी एम इक्वल टू वी नॉट प्लस वी आई बट्टा टू, वी नॉट प्लस, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव मोशन से आया है, किस मोशन से, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन मिरर ऑब्जेक्ट का क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, तो मिरर इमेज का भी क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। क्या फ्रेश दिखाई दे रहा है, कहीं कटिंग खटिंग तो नहीं आ रहा है, इसलिए कि बिजली चली गई है, एक बार देख लेते हैं खुद ही चेक करके, कहीं पर किसी भी प्रकार की आना होनी चाहिए, बीच में बना लें तो दिक्कत ना ही होगा बउआ, पर्दा को ठीक से लगाई दो। तो चलिए, तो अब एक यहां पर क्या करते हैं, एक मिरर बनाते हैं, मिरर, मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट है, मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट है जो मिरर की ओर बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव, ये डायरेक्शन क्या है, हमेशा पॉजिटिव लेना है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में जो भी मूवमेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इस डायरेक्शन में जो भी मूवमेंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, याद रखना। तो ऑब्जेक्ट यहां से जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से, और मिरर क्या है, फिक्स्ड है, मिरर क्या है, फिक्स्ड, तो हमसे पूछा है कि घर कब आओगे, ये एक्स मीटर पर सेकेंड से आएगा, तो एक्स बराबर वट, एक नंबर का क्वेश्चन, कितने नंबर का, फॉर्मूला पर बैठाए, चलिए फॉर्मूला पर बैठाते हैं, यहां देखिए फॉर्मूला पर बैठाते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, क्या निकाले हैं, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जब इसका निकाल रहे हैं तो इसका क्या करेंगे, यहां पर तो वी एम बराबर वी ओ प्लस वी आई बट टू, चलिए वी एम फिक्स है, क्या मिरर वेलोसिटी है मिरर के पास, नहीं, तो जीरो जीरो बरोबर वी नॉट प्लस वी आई बट टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर जीरो, तो क्या हो जाएगा, वी नॉट प्लस वी आई बराबर जीरो, तो वी नॉट बराबर माइनस वी आई, देखिए अपने आप ले लिया ना, ले लिया माइनस, कि लगाना पड़ा,
ले लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो भी नॉट बराबर क्या है माइनस, तो भी आई बराबर माइनस इस तरफ लगा देना, तो भी आई बराबर क्या हो जाएगा माइनस भी ओ, माइनस भी ओ चूंकि माइनस को इस तरफ ले आए भी ओ, तो भी आई बराबर क्या, माइनस को इस तरफ लाने का तरीका जानते हैं ना, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दीजिए तो ये माइनस में आ जाएगा, इसमें किस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि इसको उठा करके यहाँ पर लगा दिए, दोनों तरफ किससे कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, ये माइनस में आ गया ये प्लस में आ गया, तो भी आई इक्वल टू क्या हो गया माइनस है भी ओ, कितना दिया हुआ है मैंने भी ओ बराबर 5 मीटर पर सेकंड, तो माइनस 5 मीटर पर सेकंड। क्या ये फॉर्मूला वही है जो लागू हो गया, क्या ये थ्योरी वही था जो लागू हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं, तो फटाक से इसको क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, चलिए नोट कर लिए, आइए इसको डायरेक्शन से लेकर के चलते हैं और क्या होता है नहीं होता, क्वेश्चन नंबर दूसरा मिटा दें। चलिए अब क्या होगा, एक सवाल के माध्यम से आपको यह भी हम दिखा देंगे कि वहां पर माइनस क्यों लगाए थे, माइनस क्यों लगाए थे। अब यहां पर मिरर क्या करते हैं दूसरा नंबर में, क्वेश्चन नंबर दो, आप फोटो बार बार बनाएंगे, दूसरा नंबर है, अब मिरर क्या होता है कि 2 मीटर पर सेकंड से इधर जाता है जी, 2 मीटर पर सेकंड से मिरर क्या होता है मूव करता है, तो अब देखिए भी ओ बराबर क्या निकला, यहां पर लिखते हैं सॉल्यूशन लेते हैं यहां पर, अब केस हटाने दें, केस हटा दें, एग्जाम्पल का दूसरा नंबर एग्जाम्पल लिए हैं, केस कास को हटा देते हैं, चलो केस उठा लेते हैं, बेल करवा लेते हैं, तो भी नॉट एग्जाम्पल नंबर एक, एग्जाम्पल नंबर दो, भी नॉट बराबर कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, भी एम बराबर कितना है -2 मीटर पर सेकेंड, इसलिए तो यहां लिखना जरूरी समझे, माइनस क्यों इधर की ओर पॉजिटिव तो इधर की ओर निगेटिव, और भी आई बराबर क्या है -x मीटर पर सेकंड, कि हमसे पूछा है x इक्वल टू व्हाट, कि हमसे पूछा है घर कब आओगे, ये नहीं पूछा है, बस पूछा है कि तुम x का वैल्यू जहाँ हो वहीं से बता दो, घर कब आओगे ये सब तो गोप्य नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं, तो भी एम इक्वल टू भी ओ प्लस भी आई बटा टू जी, भी एम कितना है -2 बराबर भी ओ कितना है +5 प्लस भी आई कितना है एक्स, भी आई कितना है एक्स, देखते हैं माइनस लेता है कि नहीं लेता है, एक्स मीटर हटा तत्काल माइनस हटा दो, सवाल को लेने का होगा तो खुद दे क्या ले लेगा माइनस ले लेगा, बटा टू दो दुना -4 इक्वल टू 5 प्लस एक्स, तो x बराबर क्या हो जाएगा -4 और -5 बराबर -9, तो x बराबर हो जाएगा -9 मीटर पर सेकंड, ले लिया माइनस, हमें इस समय जो पूछा है ना उसमें हमें पहले से लगा करके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सॉल्यूशन अपने आप ले लेगा। अब देखो 5 मीटर से इधर किसको खिसकाओ इमेज को, और 2 मीटर से इसको इधर खिसका तो कितना दे दे आ जाता है 9 मीटर, लेकिन इसका जो ऑप्शन देगा ये एक बार क्या कहते हैं कि बीसीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये जो इसका जो ऑप्शन देगा तो देखिए ए नंबर में ऑप्शन देगा, बी नंबर में ऑप्शन देगा, 3 नंबर ऑप्शन देगा, 4 नंबर ऑप्शन देगा, जो तुम एकदम मौखिक इसको सॉल्व करना चाहोगे वो सारे के सारे ऑप्शन दे करके रखेगा। देखिए पहला नंबर दे देगा कि -3 मीटर पर सेकेंड, इसलिए कि 5 में से 2 गया, देखो इधर तुम्हारे सारे भ्रम को वो जानता है कि लड़का क्या करेगा, ये सारे भ्रम जानता है। देख पहला भ्रम कि 5 ये इधर जा रहा है और 2 ये इधर आ रहा है, 5 ये इधर जा रहा है 2 ये इधर आ रहा है, तो इसका मतलब 5 में से 2 घटा दीजिए, वो ऑप्शन में रखा हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। अब सोच रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये इधर जा रहा है, एक बार 3 मीटर पर सेकेंड करेगा, 3 मीटर प्रति सेकेंड, एक बार करेगा 7 मीटर प्रति सेकेंड, हो सकता है एक बार करेगा -9 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन यदि बढ़ा दे मेरे जैसे सेटर होगा तो ऑप्शन बढ़ा देंगे -7 मीटर प्रति सेकेंड, अब 5वां नंबर हो जाएगा, 6ठा नंबर ऑप्शन दे देंगे 9 मीटर पर सेकेंड, 7-8 वो ऑप्शन दे देंगे, तुम लटकते रहो
अब सोचो कि यहाँ पर तुम यदि मौखिक देखेगा, अरे भैया इधर की ओर पांच जा रहा है, तीन उधर से आ रहा है, दो आ रहा है, तो बचेगा कितना? तीन। और ये इधर आ रहा है तो इसका मतलब माइनस। लगाया टिक की हुआ गलत, इसलिए सॉल्व करें। और आंसर कितना नंबर? माइनस 9 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? ये तो सीधा सीधी की बात कर लिए। कौन धा कौन दे? सीधा सीधी। कौन धा कौन दे? सीधा सीधी। एक बार क्या करते हैं, मिररों को उधरे बढ़ा देते हैं और दोनों का एक जैसा मोशन नहीं रखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ले लेंगे, देख लीजिएगा आप इसको, एक बार नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए इनको। अब देखिए कंडीशन नंबर क्या लेंगे, सवाल नंबर तीन। मिटा देते हैं इनको, मिटा दे रहे हैं इनको, इनको भी मिटा दे रहे हैं, इनको भी मिटा दे रहे हैं, इनको भी मिटा दे रहे हैं, इनको भी मिटा दे रहे हैं। और यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। अब जितने डाउट हैं उसको क्लियर कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। अभी तो परपेंडिकुलर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, कौन सी कुलर? परपेंडिकुलर चल रहे हैं। इसको कभी एसी में भी चला करके दिखाइए, वो भी दिखाएंगे। मान लिया जाए कि ये 7 मीटर प्रति सेकंड से इधर की ओर जा रहा है, कि हमसे पूछा है कि वी आई इक्वल टू व्हाट, और कहता है कि मिररो इधर की ओर जा रहा है लेकिन ये 3 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है। 3 मीटर प्रति सेकंड से। डायरेक्शन को हमेशा ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन को हमेशा ध्यान रखना मांगता है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये सावन। तो वी एम इक्वल टू वी ओ प्लस वी आई बट टू। वी एम कितना है? अब किधर की ओर जा रहा है सॉल्यूशन? उधर की ओर ना, था पॉजिटिव। तो 3 बराबर वी नॉट कितना है? वी नॉट को वी नॉट 7 है ना, उधर की ओर 7 प्लस वी आई कितना है पता नहीं, बट 2, 3 दुना 6, 3 दुना 6, तो 6 बराबर 7 प्लस वी आई, तो वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 7 बराबर माइनस 1, तो मैंने वी आई बराबर, यहाँ लिख देते हैं वी आई बराबर माइनस 1 मीटर प्रति सेकेंड। ऑब्जेक्ट जा रहा है 7 से, ई जा रहा है 3 से, ई हो रहा है 1 से। अनुमान जब लगाओगे तो तुम क्या क्या अनुमान लगाओगे? 7 3 10 इधर से आएगा, 10 ऑप्शन भी देगा, 10 7 में से 3 गया 4 ऑप्शन भी देगा 4। जितना तुम अनुमान लगाओगे सारा ऑप्शन देख करके रखेगा, पर अनुमान से काम नहीं चलता, यहाँ सॉल्व करना पड़ता है। तो अब इमेज कितने से आएगा? माइनस 1 मीटर प्रति सेकंड, मतलब माइनस का मतलब वो इधर की ओर आता हुआ प्रतीत होगा। फटाक से नोट कर लीजिए। अब लेते हैं थोड़ी तिरछी वाला, 3 नंबर है ये, कौन से? ये 3 नंबर है, एग्जांपल नंबर 3। अब थोड़ा क्या लेंगे? तिरछी। हाँ समझ ले, तिरछी का मतलब कुछ और नहीं, बुझना बुझिए ना, फटाक से नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 इसको मिटाएं, केस ले लें। तीसरा होगा कि चौथा एग्जाम्पल होगा, चौथा कौन सी था? चौथा। इधर की डायरेक्शन याद रखेंगे, पॉजिटिव होता है, मिरर बनाइए फटाक से। और चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रही है। 5 मीटर छोड़ो, पाँच मीटर प्रति सेकंड से किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में। यहाँ से एंगल कितना ले रहा है ये? यहाँ से एंगल ले रहा है, मान लेते हैं ये 37 डिग्री। कितना डिग्री? तो हमसे पूछा है इमेज वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू व्हाट। अब ये ऐसे नहीं जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, अब ये कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, इसको एक्स, ये क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, अब फिर सॉल्यूशन में फिर से फोटो बनाएंगे, फिर से सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन छाप लिए, 1 2 3 4 5 छाप लिए होंगे। चलिए अब इसमें क्या करेंगे कि इसको एक्सियल कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। किस कंपोनेंट में? एक्सियल कंपोनेंट में। इधर की ओर तोड़ लेते हैं और इसको इधर की ओर तोड़ लेते हैं।
इधर की ओर जब तोड़ेंगे तो ये छोटा एंगल है, तो छोटा एंगल बड़ा भुजा 4 मीटर पर सेकंड इधर की ओर हो जाएगा। इधर बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल छोटा भुजा, इधर क्या हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। देख लिए, अब ये इधर कितने से जा रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड, और ये इधर कितने से जा रहा है, तो मतलब क्या, वाई अक्ष में सॉल्यूशन में देखिए वाई एक्सिस में 3 मीटर प्रति सेकंड से, तो मतलब क्या कहेंगे भी आई इन वाई डायरेक्शन, चूंकि वाई डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऊपर की ओर हम जाएं कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहां पर देखें एक्स एक्सिस में तो क्या करेंगे, भी एम इक्वल टू भी ओ प्लस भी आई माइनस बटे टू, दिखाई दे रही है आपको, सूझ रहे हैं। चलिए भी एम कितना है, भी एम अभी फिक्स है, भी एम क्या है फिक्स है, भी एम में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं हो रही है। या भी एम को भी चला दो ना, इसको भी चला दो इधर की ओर, 3 मीटर प्रति सेकंड से कितना चला दिए, 3 मीटर प्रति सेकंड से इसको इधर की ओर चला दिए, तो देखते हैं क्या होता है। तो भी एम क्या है माइनस 3 बराबर भी नॉट कितना है इधर की ओर 4 है, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ये एक्स है और ये क्या है वाई है, तो 4 प्लस भी आई बटा 2, तो 4 दुना 3 दुना तो -6 बराबर 4 प्लस भी आई, तो इसको इधर कर लेंगे तो माइनस, तो भी आई बराबर क्या हो जाएगा, भी आई एक्स डायरेक्शन में ना, भी आई किस डायरेक्शन में, भी आई एक्स डायरेक्शन में, तो चल गया ये इधर चल गया तो -6 माइनस 4 बराबर -10 मीटर प्रति सेकंड जा रहा है इधर की ओर। अब हमसे पूछा है भी आई, तो निकला तो हमें भी वाई भी एक्स नहीं, तो भी आई बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट भी आई बराबर भी एक्स आई कैप अजोड़ भी वाई जे कैप, तो भी आई बराबर क्या कहेंगे, तो भी आई कितना है माइनस दस आई कैप प्लस भी वाई कितना है 3 जे कैप, तो इसको क्या कहेंगे 3 जे कैप। अब यहां से मैग्नीट्यूड लेना है भी आई का, क्या लेना है मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसको क्या करेंगे अंडर रूट -10 का स्क्वायर अजोड़ 3 का स्क्वायर, ये इसकी मैग्नीट्यूड निकल जाएगी, सॉल्व कर लेंगे यही इसकी क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, कोनो तकलीफ नहीं ना। तो इसको फटाक से आप नोट कर लीजिए, और अब इसके बाद हम क्या कहते हैं उदाहरण नहीं लेंगे, आप जानिए कैसे बनाएंगे, और उम्मीद करते हैं आप समझ भी गए होंगे। एक छोटी सी क्वेश्चन ले लेते हैं फील्ड व्यू के ऊपर, किसके ऊपर फील्ड व्यू, कि कोई मिरर है, जैसे ये मिरर है, मान लिया जाए कि ये मिरर जो है, ये मिरर की हाइट जो है, मान लो कि मिरर की हाइट जो है वो एक्स मीटर है, तो आप कितने दूर तक जाएंगे तो अपना इमेज देखते ही रहेंगे, जितने दूर तक जाने के बाद, अब मान लिया जाए यहाँ पर है, हम इमेज देख रहे हैं अपना, नहीं देख रहे हैं, थोड़ा दूर जाएं इमेज देख रहे हैं नहीं, तो सामने कोई सोर्स है उसका इमेज हम कितने दूर तक जाएं तो देख सकते हैं, इसको कहते हैं फील्ड व्यू, क्या कहते हैं फील्ड व्यू। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, फील्ड व्यू के बारे पर चर्चा करते हैं, इसको मिटाएंगे फटाक से, चलो मिटा रहे हैं, और हेडिंग दीजिए फील्ड व्यू। सवाल प्रैक्टिस करते रहे, देखते रहे कैसे जाता है, एक आध क्वेश्चन तो यहां से आ ही जाते हैं, ज्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप का, आई कैप जे कैप वाला। तो चलिए यदि इसको सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट कितना आ जाता है भी आई वाला, भी आई बराबर आंसर अंडर रूट 109, अंडर रूट 109 मीटर पर सेकंड, कहां से, तो वहीं 47, एंगल उंगल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या बताएं फील्ड व्यू, एफ आई एल डी फील्ड भी यू कैसे होता है भी आई ई डब्ल्यू कैसे होता है, अब पता नहीं कैसे होता है, तुम लोग जो भी हो
चलिए क्या कह रहे थे, फील्ड व्यू। फील्ड व्यू में होता क्या है, फील्ड व्यू हाँ चलो एक जैसे मान लिया जाए कि ये मिरर है, ये क्या है मिरर है, फिक्स है, इसके सामने एक पॉइंट सोर्स दीपक जल रही है और दीपक का प्रतिबिंब कोई मिरर में देख रहा है, तो कितने दूर तक जाते जाएंगे तो पर भी उस दीपक का इमेज उसे दिखाई देता ही रहेगा, इसी को कहते हैं फील्ड व्यू। मान लिया जाए कि यहां पर क्या है, एक मिरर है, एक मिरर है, यहां पर मान लेते हैं कि और मिरर की हाइट जो है, मान लो मिरर की हाइट मान लेते हैं कि क्या है, ये मिरर की हाइट मान लेते हैं एक्स मीटर, मान लो कितना मीटर, एक्स मीटर मिरर की हाइट है, यहां से जो है एल दूरी पर, कितने दूरी पर, एल दूरी पर या वाई दूरी पर मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, एस इज एस इक्वल टू पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ये लाइट का क्या है पॉइंट सोर्स है। अब यहां से इतने दूर पर क्या बनेगा, एक इमेज बनेगा इसका, इधर ये इमेज कैसे दिखाई देगा, ये इमेज है तो इमेज से प्रकाश ऐसे करके निकलता होगा शायद, ऐसे करके जाता होगा, टेढ़ा हो गया, कौन सी डा टेढ़ा, इस तरह से इमेज सिरे तो इधर से भी ऐसे करके निकलता होगा, क्योंकि एज से निकलता होगा किनारा से, इसको मिटा देते हैं, पॉइंट सोर्स याद रखना, ऐसे करके जाता होगा। अब ये हुआ कैसे होगा, यूं गया परावर्तित होकर के, यूं गया और परावर्तित होकर के यूं गया, एक आदमी यहां से चलना शुरू करता है, एक आदमी यहां से चलना शुरू करता है और यहां तक चलता है, इधर की ओर चलता है ये आदमी, तो ये इमेज कहां तक देखेगा, तो मतलब इसके दायरा में जो देखेगा वो इमेज दिखाई देगा, इससे बाहर हो जाएगा इमेज नहीं दिखाई देगा, तो ये क्या कहलाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका एफ आई एल डी, फील्ड व्यू, फील्ड व्यू। आई बात समझ में, एक बार फिगर को नोट कर लीजिए, फिगर को नोट कर लीजिए फटाक से, कि बोले नोट कर लिए इनको, अब देखिए देखना है, स्पेलिंग गलत लिखवाया था, वी आई ई डब्ल्यू व्यू, वी आई ई डब्ल्यू, ऐसा मत लगाना, ये व्यू हो जाएगा, व्यू फील्ड व्यू परिसर दृश्य। अब यहां पर देखिए ये एक मिडिल लाइन खींच लेते हैं, यहां से क्या करते हैं, एक मिडिल लाइन खींच लेते हैं जो बाइसेक्टर है, क्या है बाइसेक्टर है, तो यहां से भी यो दूरी की हो जाएगा, यो दूरी एक्स बाय टू, यो दूरी एक्स बाय टू, यहां पर एक बिंदु मान लेते हैं C और यहां पर भी एक बिंदु मान लेते हैं C डैश, बिंदु मान लिए C और C डैश, इसको कहिए P C Q, देख लिए P C Q, I इमेज है, S सोर्स है, C बिंदु इस पर है, इसको कह लीजिए ए, इसको कह लीजिए बी, देख लिए। चलिए आते हैं हम लोग ट्रायंगल लगाते हैं, बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, ट्रायंगल लगाएंगे, इन ट्रायंगल आई ए सी डैश, किसमें आई ए सी डैश में चलना, तो क्या हो जाएगा, आइए आई ए सी डैश में चलते हैं, शायद इसी तरह की कहानी है, आई इधर से गई ने सी डैश इधर ए है कि नहीं है, यहां पर क्या है पी और यहां पर कौन है सी, यहां पर पी और यहां पर सी, अब देखो ट्रायंगल आई पी सी एंड ट्रायंगल आई ए सी डैश क्या है, समरूप है कि नहीं है, समरूप है, क्या है
समरूप है। यहां से ये दूरी मान लो कि कितने दूरी पर ये जा रहा है आदमी, x दूरी पर जा रहे हैं मान लेते, y दूरी पर जा रहे हैं, हाँ तो क्या हो जाएगा, यदि समरूप है तो समान भुजा का अनुपात समान होगा PC बटा AC डैश बराबर IC बटा IC डैश। PC कितना है, PC कितना है, PC देखो जरा, PC देखो, PC x बाय टू है, ऐसा करते हैं ना x बाय टू, तो d ये पूरा x है तो इसको x बाय टू चलिए रहने दीजिए, ठीक, तो x बाय टू। ए सी डैश कितना है, ए सी डैश तो निकालना ही है, x बाय टू ए सी डैश बराबर आई सी कितनी है, आई सी, तो जितने दूर ये उतने दूर ये, तो मान लेते हैं कि कितने दूर था यहाँ से, यहाँ l दूरी पर था, कितने दूरी पर, या कहिए y दूरी पर, कितना दूरी, y दूरी पर था, तो y बटा आई सी, आई सी डैश कितना है, आई सी डैश कितनी है, आई सी डैश कितनी है, आई सी डैश कितनी है, यही तो निकालना मांगता है ए सी डैश, तो यहाँ से चल कितना दूरी पर रहा है, आई सी डैश, ट्रायंगल चले आई सी डैश, ये एल दूरी पर है, वाई दूरी पर है, ये भी कितना दूरी पर, वाई दूरी पर है, और ये इधर चल रहा है, गड़बड़ लग रहा है, आई सी डैश, फील्ड व्यू आई सी डैश, यहीं तो नहीं, वाई दूरी पर जा रहा है, इसको मान लेते हैं वाई है, इस सोर्स से इतना दूरी पर जान लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से ये कितना दूरी है, ये टू वाई है, मान लो कुछ तो मानना पड़ेगा, तो टू वाई ये और ये वाई, तो कितना हो जाएगा, थ्री वाई, तो कितना हो गया ये, थ्री वाई, तो ये वाई से वाई क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, ए सी बराबर 2x by 2, देखो ना यहाँ से गुना कीजिए 3x by 2, तो ए सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, 3x by 2, जब ए सी डैश बराबर 3x by 2, तो ना बी सी डैश बराबर भी तो 3x by 2 होगा, देखो बी सी एक्स बराबर भी तो 3x by 2 होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये जब दोनों हो गया तो दोनों को जोड़ दें, दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3d by 2 और 3d by 2, 3d by 2 और ये सॉरी 3x by 2 और 3x by 2, तो जोड़ने के बाद क्या निकलेगा, जोड़ने के बाद क्या निकलेगा, ab बराबर 3x, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। अब ये निर्भर करता है इस दूरी पर भी कि कितने दूर पर तुम जा रहे हो, कितने दूर पर जा रहे हो, ये 3x और मिरर के तिगुना ऊंचाई तक आप देख सकते हो, लेकिन याद रहे यदि दुगुने पर हो तो, यदि चौगुन्ना में जाओगे तो क्या होगा, यदि पचगुन्ना में जाओगे तो क्या होगा, अपने छगुन्ना में जाओगे तो क्या होगा, तो आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ आना चाहिए। यहाँ देखिए 3y, माने कि मिरर से कितने दूरी पर ये व्यक्ति जा रहा है, 2y दूरी पर जा रहा है, यदि यही 5y पर जाता तो 5y a का इधर y तो कितना हो जाता, 6y, तो यहाँ पर कितना लिखते हैं, 6y, y कट गया 6, तो यहाँ पर क्या हो जाता, 6x, आई बात समझ में, तो कितना व्यूज होगा, कितने दूर पर जाएंगे, तो आदमी कितने दूर पर जा रहे हैं इस बात पर भी निर्भर करता है। तो तीन पॉइंट, कितने दूर पर आदमी जा रहे हैं और मिरर की ऊंचाई कितनी है और सोर्स कितने दूर पर निर्भर करता है, तो फील्ड व्यू निर्भर करता है किस पर, फील्ड व्यू VIEW व्यू निर्भर करता है किस पर, पहला नंबर एक मिरर से
सोर्स की दूरी, दूसरा नंबर मिरर से आदमी की दूरी, तीसरा नंबर मिरर की लंबाई। क्या हो गया? मिरर की लंबाई। आई बात समझ में? तो ये तीन चीज पर निर्भर करता है। यदि आपको तीन चीज मिला हुआ है तो आप यहां से बनाइए, बने बनाए फॉर्मूला पर कभी ना जाएंगे। यदि कह दिया कि 2x पर जाता है, इससे थोड़ी दूर पर जाता है, तो फिर अनुमान लगा करके अपना काम निकालिए, वरना ये तीन चीज पर ये क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए, इसको नोट कर लिए होंगे। जब आप कर लिए हैं नोट, तो हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। और अगले एपिसोड में जब आएंगे 06 के साथ, तो शायद स्फेरिकल मिरर के साथ आएंगे। किसके साथ? स्फेरिकल मिरर के साथ आएंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।